अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं अपनी साइकिल को मॉडिफाई। सो गाइस अभी साइकिल को ले आया हूँ मैं ऊपर, अब करते हैं पेंट। सो गाइस अभी मैंने ये एरो कर दिया है हाईलाइट। सो हेलो गाइस, चेतक भाई बैक विद अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में जो मेरी साइकिल ड्रैगन है उसके टायर में कर बनाते हैं कुछ स्टिकर, करते हैं उसके टायर में पेंट, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टिकर बनाया मैंने उसमें। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं अपनी साइकिल को मॉडिफाई। सो गाइस अभी आ गए हम अपनी साइकिल के पास, अभी इसको ओपन प्लेस में लेके चलते हैं, फिर करते हैं उसकी टायर में स्टिकरिंग। सो गाइस अभी साइकिल को ले आया हूँ मैं ऊपर, अभी मैं बताता हूँ आपको हमको क्या क्या सामान चाहिए जो हम इसके टायर पे स्टिकर्स बना रहे हैं उसके लिए हमको किस किस जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी। सो अभी मैं आपको बताता हूँ गाइस, सबसे पहले जो हमें एक बर्तन चाहिए जिसमें हम पेंट डाल सकें, तो ये मेरे पास एक स्केच है जिससे मैं टायर पे इस पेंट को लगाऊंगा और लिखूंगा कुछ। और ये रहा मेरे पास पेंट, मेरे पास गोल्डन कलर का पेंट है जिसको हम इधर डालेंगे। और ये हमारे पास पानी जो कि हम इसमें भी डालेंगे थोड़ा, और इससे अभी साइकिल का टायर भी साफ करेंगे। और ये है मेरे बैठने के लिए। सो अभी करते हैं काम को शुरू। जो किसी भी टायर को देख लो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है, जैसे इस पे लिखा है ये बाइकर। सो अभी इसको करेंगे हम हाईलाइट उस पेंट से और स्केच से, जैसे कुछ और भी लिखा है इस पे। तो सबसे पहले तो इस वाली साइड के टायर को करना पड़ेगा हमको साफ, तो अभी डालते हैं उसमें पानी और करते हैं उसको साफ। गाइस अभी कर लिया एक साइड टायर की साफ, सो अभी इसको सूखने देते हैं, फिर करते हैं इनको हाईलाइट। सो गाइस ये खोल दिया मैंने पेंट, अभी डालते हैं इसको इधर खोली में। सो अभी थोड़ा सा ही लेंगे हम। सो अभी इतना काफ़ी है, और ये जैसे कि ये ठीक है तो इसको पतला करने के लिए हम करेंगे यूज़ थिनर का, जो कि मैंने पहले नहीं बताया आपको, बट मैंने सोचा पहले कि इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें है थोड़ी सी ज़रूरत, तो अभी ले आता हूँ मैं उसको और डालते हैं इसमें। गाइस ये लिया मैं थिनर और ये निकाल दिया मैंने थोड़ा सा ढक्कन में, अब डालते हैं उसको इधर। ये मैंने एक ढक्कन डाल दिया है, अब करते हैं इसको मिक्स। गाइस अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है, सो अभी करते हैं इसको अप्लाई इस स्केच की मदद से। सो अभी मैं थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे स्केच को इधर लगाऊंगा और उधर लिखता जाऊंगा। सो अभी करते हैं पेंट। गाइस तो अभी हो गया एक प्रॉब्लम, मैंने जिस इसको इतना आसान समझा ये इतना है नहीं, और ये ढंग से यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, ये इधर उधर चले जा रहा है पेंट। और अभी देखते हैं अगर हो गया कुछ तो लिख देंगे इसको, वरना क्या कर सकते हैं, ये नहीं चल रहा है ढंग से इसका। सो गाइस अभी मैंने ये एरो कर दिया है हाईलाइट, अभी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके इन सभी को करते हैं हाईलाइट, फिर देखते हैं कैसी आ रही है लुक। गाइस अभी मैंने दूसरी जगह भी कर लिया है पेंट और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने यहाँ टायर एक टायर में दोनों साइड कर लिया है, ये एक ऊपर और एक नीचे, और अभी इसको सूखने देते हैं, तब तक हम इससे पिछला टायर करते हैं। ये रहा पिछला टायर, पहले तो इसको इधर से धो देते हैं जैसे हमने अगला वाला धोया था, इधर से इस मिट्टी वगैरह को हटा देते हैं, फिर करते हैं इसकी भी पेंटिंग शुरू। गाइस अभी पीछे वाला टायर भी धो दिया है, अभी इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं, फिर करते हैं इसमें पेंटिंग स्टार्ट। और मैंने जो पेंटिंग वाला ब्रश थोड़ा बदल दिया है, ये मैंने लकड़ी का बनाया, अभी इसको शार्पनर में आगे से इसको शार्प किया है, ये लकड़ी का है। और जो स्केच था ये कुछ ठीक ढंग से वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं इसको छोड़ के अभी इससे थोड़ा ढंग से हो जा रहा है। गाइस अभी एक साइड कर दिया है मैंने पेंट, सो अभी रहा है मेरे को ये, सो अभी इसको भी लिखते हैं। गाइस अभी पीछे वाले टायर को भी कर दिया है, अभी देते हैं इसको सूखना, फिर बताता हूँ मैं आपको कैसी आ रही है इन दोनों टायर्स की लुक।